अस्सलामुअलैकुम, आपकी बहन फिर से हाजिर होगी एक नया व्लॉग लेके। हमारे व्लॉग का आगाज नींबू पानी से होते हैं और उठते साथ काम करना था क्योंकि मम्मा घर नहीं थे, तो हमने नाश्ता नहीं किया था। हमने कहा चलो चार शर्ट बना लेते हैं क्योंकि टाइम भी 12 हो गए थे। हमने कहा चलो दिन का खाना भी खा लेंगे और नाश्ता भी हो जाएगा। मेरी बहन ने बनाया चाट। मैंने कहा चलो यार क्या याद रखो कि मैं साथ बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से चावल। फिर मैंने चावल बनाए, उसने चाट बनाया, फिर हम लोगों ने बैठ के खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद फिर भी भूख नहीं खत्म हुई थी, हमने कहा चलो नूडल्स बना लेती हैं। फिर एक नई रेसिपी ट्राई की, फिर नूडल्स बनाए। हाँ बस ठीक ही थे, इतने मजे के भी नहीं बने थे और इतने बुरे भी नहीं बने थे, बस गुजारा था। लेकिन जो रेसिपी पैकेट के पीछे लिखी होती है वो उससे बनाओ तो वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। खैर फिर भी हमने कुछ नहीं क्या करना था, अब खाना ही था, खा लिया। ये साथ में मूवी देख रही थी, ये मूवी बहुत मज़े की थी। ये मूवी तो 3-4 दिन लग कर खत्म हुई क्योंकि कभी लाइट चली जाती थी, कभी क्या हो जाता था, और फिर ये उधर ही रहती थी। खैर पिछले दिनों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने कहा बेचारे कौवे चिड़िया वगैरह को प्यास लगती होगी तो क्यों ना कोई नेके का काम करती है, छोटी मोटी नेकियाँ भी करती रहती हूँ। फिर मैंने उनके लिए दाने और ठंडा पानी रखा। मैंने कहा चलो कोई आके खाई पिएगी तो दुआ देगा। फिर हमने जाके चाय बनाई जल्दी से, चाय सबके सामने पेश की और खुद भी चाय पी। चाय पीने के बाद हमने बिस्तर लगाना था। हम लोग ऊपर सेट में बहुत गर्मी थी तो हमने कहा चलो नीचे वाले सेट में चल जाते हैं, और जब नीचे वाले सेट में जाओ तो कभी बिस्तर ऊपर और नीचे ऐसा करना पड़ता है। फिर मैंने पेंटिंग शेंटिंग की और ये अगले दिन का आगाज था। पेंटिंग मैंने मेरी रेडी हो गई थी। फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मौसम इतने मज़े का था, बारिश लग पड़ी थी और इतनी गर्मी के बाद बारिश लगी थी और इतना मज़ा आ रहा था, मौसम इतना फिट हुआ हुआ था। चाय शाय बनाई। लोग भी कहते होंगे कि ये क्या एक दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा चाय पीते हैं। नहीं यार, 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग था, इसलिए आपको पता है पिछले दिनों में मेले थे और ये एक डाली हमारे घर के पास से गुजर के जा रही थी। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना लें। वो चरपाई सी है, छोटी सी है ना, चरपाई नहीं है ज्यादा। हवा बहुत तेज थी इसलिए ढोल की आवाज सही से नहीं आई, लेकिन मजा आया भाई, मजा आया। इस डॉक्टर ये पास तो नहीं है इनकी, लड़कियां बता। फिर हमने पास्ता खाया। हमारी फैमिली में थी शादी और हम शादी की तैयारी करते थे। मैंने कहा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं। ये मैंने नेल पेंट निकाली और फिर लगाई और नेल्स इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे तो ये नेल पेंट बहुत अच्छी लगी। मैंने तो शादी से आके उतारी भी नहीं। मैंने कहा चलो 2-3 दिन लगे रहने देते हैं। बोला तूने एक पहले क्या बोला, चल चल चलो। और मैं शादी के लिए इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि इतने दिनों के बाद हमारी फैमिली में शादी आ रही थी और मेहंदी वाले दिन इतनी बारिश लग पड़ी और हम लोग मेहंदी पे गए ही नहीं। कहाँ से आते हैं? है हम लोग फिर बारात पे पापा चले गए थे और वलीमे पे हम लोग गए, कपड़े शपड़े प्रेस किए सबके। प्रेस करने के बाद है ये मेरा ड्रेस था। फिर हमने ज्वेलरी श्यूलरी सेलेक्ट की, ये मेरी फेवरेट ज्वेलरी थी और ये रिंग मैंने खुद बनाई थी बड़ी मेहनत से और ये मेरी फेवरेट है। फिर हम लोग रेडी हो गए और हम निकल पड़े। ये गोसियाँ मेरी जो हॉल में थी शादी, और खाना मजे का था लेकिन स्टॉप वहाँ का इतना बुरा था, क्या बोल रही है, वो लग रहा था जैसे एहसान कर रहे हैं हम पे, खाना नहीं दे रहे बल्कि पता नहीं क्या करें। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। और घर आके पता चला जी मेरी जूती फट गई। लेकिन कोई नहीं, शादी गुजर गई ना, बस ठीक है। व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।